नमस्कार। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में जब बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंसर्न किस चीज़ को लेके होती है? वो उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके होती है, क्योंकि आजकल अक्सर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हमको मिल रही है मार्केट में, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है। लेकिन ये जो आपके स्क्रीन पे आपको जो व्हीकल दिख रही है, उसकी बिल्ड क्वालिटी ही उसकी USP है। हम बात कर रहे हैं बूम मोटर्स द्वारा बनाए गए इस व्हीकल को, जिसका नाम इन्होंने रखा है कॉर्बेट। दो अलग मॉडल्स में आती है, वेरिएशन में आती है ये 14 और 14EX। बिल्कुल मेड इन इंडिया व्हीकल है ये, और बहुत ही स्ट्रांग और रगेड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और बुरे रास्तों में चलने में ये तो उड़ती है बुरे रास्तों में, क्योंकि इसकी जो शॉक एब्जॉर्बर है वो बहुत अच्छी है। और इसमें और दो फीचर्स है जो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला ये है कि इसमें डिटैचेबल बैटरी है, और दूसरा इसकी जो बूट स्पेस है काफ़ी बड़ी है, इसमें दो हेलमेट आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी USP है। इसका कारण यह है कि इसमें एक्सोस्केलेटन चेसी का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिखती है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देती है। तो जैसे आपको बताया, दो मॉडल है, एक 14 और 14EX। तो ये जो दो वेरिएंट्स के बारे में आपको बताया, 14 और 14EX, इसमें अंतर इसकी मोटर कैपेसिटी और बैटरी के चलते आती है। एक में आती है 3 किलोवाट की BLDC हब मोटर, और दूसरे में आती है 4 किलोवाट की BLDC हब मोटर। जो 3 किलोवाट की BLDC हब मोटर है वो है 14 कॉर्बेट 14 मॉडल में, जो आपको 65 किलोमीटर/घंटे की मैक्सिमम स्पीड दे सकती है। कॉर्बेट 14EX में है 4 किलोवाट की BLDC हब मोटर, ये 75 किलोमीटर/घंटे की मैक्सिमम स्पीड दे सकती है। दोनों में ही फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसमें CBS भी है। और दो एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं, एक है साड़ी गार्ड और दूसरा है मड गार्ड। उसके अलावा जो व्हील्स है वो 14-inch के एलॉय व्हील्स है। सामने आपको जो हेडलाइट मिलती है वो राउंड शेप में आपको मिलेगी, और वो LED लाइट्स है। रात को चलाने के लिए आपको विजिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। उसके अलावा व्हीकल जो है वो IoT कनेक्टेड है। आप इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन से ऑन कर सकते हैं, और अनलॉक करने के बाद उसको चालू करने के लिए भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही इसकी एक ट्रिप स्टार्ट बोल के एक ऑप्शन है, वो आपको एनेबल करना है। डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड में आपको ज़रूरत की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और कुछ जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे बैटरी की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की तरह आपको दिखेगी, अर्थात 72%, 71%, मतलब प्रत्येक परसेंटेज ड्रॉप वो आपको बैटरी आपको दिखाएगी, ताकि आप अपने ट्रिप को जो है बेहतर प्लान कर सके। और उसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी फीचर है, वो ये है कि बैटरी के टेम्परेचर भी दिखाती है। BMS तो चलिए है ही, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो तो आपकी बैटरी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा ये एक और एक अच्छा स्टेप हो जाता है कि आपको दिख रहा है आपकी बैटरी किस टेम्परेचर में है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो स्कूटर को थोड़ा विश्राम दीजिए आप। और चूंकि बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों जो वेरियंट्स है उसमें बैटरी का भी अंतर है। जो कॉर्बेट 14 मॉडल है उसमें है 2.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक, और कॉर्बेट 14EX में है 4.6 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक, अर्थात दो बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। जो बैटरी पैक है वो IP67 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है। अगर आपने एक बैटरी पैक का इस्तेमाल किया, अर्थात कॉर्बेट 14 में, आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ऐसा कंपनी का दावा है। और यदि आपने 14EX लिया, वहाँ पे आपको दो बैटरी पैक्स मिलेंगे, तो आपको 200 किलोमीटर की रेंज मिलनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में ये रेंज थोड़ी सी कम होगी ज़रूर। उसके अलावा बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। और जैसे बूट स्पेस के बारे में आपको पहले बताया, तो अभी आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस है। दो हेलमेट तो चलिए आ ही रही है, और अर्थात आपको जो ग्रॉसरी वगैरह है, बाज़ार करने के बाद आपको सामग्री रखने में कोई असुविधा नहीं होगी। और चूंकि सामान ढोने की बात कर ही रहे, तो ये जो स्कूटर आपको दिख रहा है, ये 200 किलोग्राम तक की वजन ढो सकती है। इसका कारण ये है कि इसकी जो स्टेबिलिटी, इसकी जो फ्रेम है वो बहुत मजबूत है, जिसके चलते ये संभव हो पाता है। अब हमारे टीम ने इसको टेस्ट राइड पे लेके गए, और उनको बहुत अच्छा लगा, चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा था, बैठने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। उसका मेन कारण ये है कि जो इसकी फुटबोर्ड है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होती है, बिल्कुल एक मोटरसाइकिल की तरह आपको लगेगा, आपकी जो पैर रखने की जगह है वो थोड़ी आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, जिसकी वजह से बैठने का जो स्टांस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन के बारे में आपको पता है, सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। इसका कारण ये है कि जो सामने में जो शॉक एब्जर्वर है, फ्रंट शॉक एब्जर्वर, उसमें 4 लेवल की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पर्सनल प्रेफरेंस को बोलिए या फिर रास्ते की परिस्थिति को देखते हुए आप अपने शॉक एब्जर्वर को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके चलते आपको जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपको सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा ब्रेकिंग के बारे में बात करें, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स तो मिलते ही हैं, उसके अलावा आपको CVS मिल रही है, अर्थात कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो और बेहतर
बेहतर हो सकती थी। जैसे पहली चीज जो है कि सीट की कुशनिंग सही है, लेकिन और बेहतर हो सकती थी, लंबे समय में शायद आपको थोड़ी असुविधा महसूस हो सके। और उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट दी है कंपनी ने, लेकिन आप चार्ज करेंगे मोबाइल को उससे, परंतु मोबाइल को रखने के लिए कोई मोबाइल होल्डर नहीं दी गई है। उसके अलावा फुटबोर्ड की जो स्पेस है वो सही है, आपको स्पेस तो मिल रही है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कोई हुक वगैरह नहीं दी गई है। अगर एक हुक दी गई होती तो आप उसको अपने बाजार के जो सामग्री है, बाजार के जो बैग्स वगैरह है, उसको आप वहां पे लटका सकते थे, पर वो टांगने की कोई जगह नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, बूट स्पेस काफ़ी है तो शायद उसी का आपको इस्तेमाल करना होगा, उसी से चलाना पड़ेगा काम। अब आपको प्राइसिंग के बारे में बात करें, जैसे कॉर्बेट 14 और कॉर्बेट 14EX मॉडल आपको बताया था, जो कॉर्बेट 14 है उसमें आपको 3 किलोवाट की BLDC हब मोटर मिल रही है और 2.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल रही है। इसकी जो कीमत है वो है 87,000 रुपीज़। और जो कॉर्बेट 14EX मॉडल है उसमें आपको 4 किलोवाट की BLDC हब मोटर मिलती है, 4.6 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, उसकी कीमत है 1,20,000 रुपए। फिलहाल कंपनी जो है अपनी शोरूम सिर्फ साउथ इंडिया में ही खोल रही है, लेकिन यदि आपको व्हीकल की ज़रूरत है तो आप वेबसाइट में जाके इसको रिजर्व कर सकते हैं और होम डिलीवरी की जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंपनी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप अपनी पिन कोड डाल के वैलिडिटी चेक कीजिए और सीधा कंपनी से बात करके आप अपनी व्हीकल बुक कर सकते हैं। तो यही है आज का वीडियो, ऐसे और वीडियोस के साथ जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। संकल्प करें, विद्युत चुनें।